हाय, वेलकम टू माय फेवरेट व्लॉग। द थीम वाज बॉलीवुड ग्लैम, तो चलो थोड़ा सा फिल्मी हो जाए। तकलीफ हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने साथ वापस यादों का एक बड़ा सा सूटकेस ले जा रही थी, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो दिन, वो रातें, वो हंसी, वो मस्ती, वो दोस्ती। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो व्लॉग है, इट्स वेरी स्पेशल व्लॉग। आज है हमारी फेयरवेल। सो अभी मैं आई हूँ अपने दोस्त अनुराधा के यहाँ, और अभी हम यहीं से तैयार होकर डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि जिस जगह हमारी फेयरवेल है वो अनुराधा के घर से पास पड़ता है, तो इसलिए हम आए हैं अनुराधा के घर पर तैयार होने। तो अभी कोकिला और अनुराधा ही है मेरे साथ, त्रिया नहीं आई अभी। तो आज हमारा फेयरवेल है और हम आज पहनेंगे साड़ी, क्योंकि 12th में फेयरवेल हुआ था हमारा, बट उस तरीके से नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम कोरोना था। तो फेयरवेल एक ऐसी चीज़ होती है जिसका सब वेट करते हैं। काफ़ी सीन हुए हैं फेयरवेल के लिए, हमें पहले फेयरवेल नहीं दी जा रही थी, बट जो भी है फाइनली हमें फेयरवेल मिल रही है और आज हमारी फेयरवेल है। तो अभी हम तैयार होते हैं और जो भी होता है आज फेयरवेल में, और आज मैं आपको बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराने वाली हूँ अपनी क्लास के, क्योंकि आई थिंक फेयरवेल में तो सभी आने वाले हैं, तो फेयरवेल में काफ़ी लोगों से मिलाऊंगी आपको मैं। व्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट कोई नहीं, पूरा व्लॉग देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। सो या चलते, पहले तैयार होते हैं, हमें दोस्तों से मिलवाती पहले मैं आपको। हो रही है कोकिला के बाल कर्ल, और इसने ये किया है प्यारा सा कर्ल। ये है प्रभा, खाना लाई हमारे। ये है अनुराधा का डॉगी जॉय। हाँ, मतलब अनुराधा देख, तीन बनाए उसने, एक ही बनाया प्रभा। अचार भी लेके आई है, डिनर कर रखा कल रात का। मैंने ना नाश्ता करा है ना रात को डिनर करा है, क्योंकि मेरा मन नहीं था और मेरी मम्मी ने खाना बना रखा था, पर मेरे को लेट हो रही थी। सो गाइस, दिस इज माय साड़ी जो मैं पहन रही हूँ। अभी मैं इसको पहनती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने ना थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है, आई मीन कि थोड़ा बहुत, मतलब मुंह का तो कर लिया है थोड़ा बहुत। तो ये पीछे रेडी कर रही है उसको, और ये हुआ है अभी मेरे साथ, मेरी उंगली जल गई। मैं कोकिला के बाल कल कर रही थी तो गलती से मेरी उंगली जल गई, तो और मैंने यहाँ पे फिर वो लगाया क्लोजअप वाला टूथपेस्ट, रेड लग रहा है, खून नहीं है ये, ठीक है। और अभी मैं करूँगी अन्नू को तैयार। आ रहा है कुछ साड़ी इस तरह की पहनी है, अन्नू की साड़ी कुछ इस तरह की है। कोकिला भी रेडी हो रही है, अभी नहीं दिखाना है उसको, उसने मना किया है, उसका फाइनल लुक दिखाना है सीधा। ओके, तो चलो। तो अभी मेरे बाल हो रहे हैं स्ट्रेट, जो कि कर रही है रिया। डर मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट क्या करूं, सेकंड टाइम होगा। हाँ, इन्हीं के साथ सीखी हूं मैं ये। यहाँ पे कोकिला का मेकअप हो रहा है और अनुराधा कहीं बाहर गई है साड़ी वगैरह लगाने। जॉय को फुल अटेंशन मिल रही है। जॉय, इधर जॉय, सुन तो नहीं जॉय, इधर नहीं सुन देखो जो इसके एटीट्यूड, तुम्हारी देखो डरती थी ये लड़की, डरती थी क्या है इंदिरा जो है। सुसी मत करना मेरी साड़ी पे, चल जा। सो हम रेडी हो चुके हैं और भी मैंने ऐसी साड़ी पहनी है, दिखाऊंगी अभी पूरा लुक। तो अभी हम कर रहे थे डांस प्रैक्टिस, आई डोंट नो मैं करूंगी नहीं करूंगी, बट अभी हम डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें बिल्कुल भी ये प्लान नहीं है, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। अभी गाना सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी डांस सीख रहे हैं, आई डोंट नो कैसा होता है वहाँ पे, जो भी है कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी हम चलेंगे, फिर आपको मिलाती लोगों से और दिखाती हूँ हम कैसे इंजॉय करते हैं अपनी फेयरवेल को। बाय। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में और और हम रेडी हो चुके हैं, पर हमारी ना पूरी साड़ी खुल चुकी है, मतलब मेरी तो पूरी खुल गई है, देख लो आप। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते कौन कौन आया है, और आई थिंक गाने तो स्टार्ट हो गए बजना, प्रोग्राम स्टार्ट ना हो। मैं तो साड़ी खुल गई है, अब वॉशरूम जाके सही करूंगी इसको। ये है हमारी क्लास की लड़की प्रीत से। हाय, बड़ी सुंदर लग रही है प्रीत। हमारे पासेस का है ये, हमारे पास ये रहे। ओह, नहीं हो, ओ प्राची, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हो। इसमें बोल, इसमें बोल, कितने प्यारे लग रहे हो। हमने तारीफ खुद करवा दी। नहीं नहीं नहीं, ये इसने खुद किया है पहले। तो ये है रावत यहाँ से, हम अंदर जाएंगे, यहाँ से एंट्री है। उन्होंने हमें पासेस दे दिए हैं, बिना पास के हम नहीं जा सकते। सो दिस इज़ दी वेन्यू, और कुछ ऐसा डेकोरेशन है आपका, यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ पे आपको पासेस सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे एंट्री है, और ये हमारी क्लास की लड़कियाँ हैं। शी इज़ दीप्ति, सी आर ऑफ द क्लास, तीन साल की सी आर थी ये हमारी, ये अभी रील बनवा रही है इससे। हाय कर दीप्ति, तू भी कुछ बोलना चाहेगी?
मेरे व्लॉग में यार तुमने बहुत स्पीच, एक इमोशनल स्पीच। हाँ इमोशनल तो है, तू बताएगी? नहीं नहीं शर्मा रहे सब। मेगा, ये मेगा है हमारी क्लास की, से हाय हाय तो कर। ये सिंगर है हमारी क्लास। हाँ ये सिंगर है, गिटार हो जाती है। हाँ और यहाँ पे पूरा सबकी फोटो शूट, ये सब हमारी क्लास की लड़कियाँ हैं। ये देख एक वो साइड से आई। तो गाइस हमने फोटोज वगैरह खींच ली और अभी तो लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। Bidding us a final goodbye to all of us. We have gathered many memories in the preceding years, including a lot more. So it's an overwhelming moment for all. कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? तो गाइस आइए देखिए, जैसे हमारी सीनियर ने बहुत अच्छा डांस करा, आपने देखा ये संजलि है और ये अंदाजा आपको जानते हो। मास्टर्स कर रही है तो सीनियर आई हूँ। अब इनका डांस फिर से होगा क्योंकि इनका गाना बजा नहीं।
The next day. So guys, I am back home and you know what? मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया. Obviously, I'm going to miss my college, but anyways, it had to end. और मुझे काफ़ी मज़ा आया फेयरवेल में. वी इन्जॉय इट वेरी मच. एंड ऑल्सो आई एम सो 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 थैंकफुल टू द कॉलेज फॉर मेकिंग मी हु आई एम. और लिटरली एवरी थिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलेज. एंड ऑल्सो आई हैव लर्न हाउ टू स्पीक टू पीपल, हाउ टू कैरी माई सेल्फ, हाउ टू थिंक. आई हैव लर्न सो मच अबाउट पीपल्स, यू नो, मेकिंग फ्रेंड्स, लूजिंग फ्रेंड्स, हैविंग फाइट्स एंड अनएक्सपेक्टेडली मेकिंग सम गुड फ्रेंड्स. आई थिंक इट्स सच एन आई ओपनिंग जर्नी, यू कैन से. So I'm so grateful to the college. Oh भाई, first time मैंने इतनी ज़्यादा English बोली. You know, मैं English बोलती नहीं हूँ vlogs में, but ऐसा मत समझना मुझे English आती नहीं है. मुझे English आती है और but वो क्या है ना, flow flow में सब निकल गया, जो भी मैं बोलना चाह रही थी सब निकल गया. वी हैव डन विद आर फेयरवेल एंड नाउ वी आर हैविंग आर एग्जाम्स. इट वॉज टू मच फन इन फेयरवेल. लाइक मैं तो जल्दी आ गई थी फेयरवेल से घर, बट माई फ्रेंड गॉट द टाइटल ऑफ मिस परफेक्ट. मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी इसकी फ़ोटो. सो आई एम सो हैप्पी फॉर हर ऑल्सो. एंड हमारी क्लास से काफ़ी को मिले तो मैं अपनी फोटो अटैच कर दूँगी. एट द लास्ट आई वॉन्ट टू शेयर दैट इफ़ यू आर फ्रॉम द सेम बैच मीन्स यू हैव ग्रेजुएटेड वाइल बैक और यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हमें क्या करना है लाइफ में आगे, डोंट फील अलोन. टूड आई एम विद यू. सो क्या करना है, मेरी वीडियोज़ देखती है. सो वॉच माई वीडियोज़. ओके, मजाक सट के अब आई फील लाइक कि मस्ती वाला जो टाइम था वो गया, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला टाइम आ चुका है. सो इफ़ यू आर समवन जो भी कॉलेज में है या फिर स्कूल में है, तो उस फेज को प्रॉपर इन्जॉय करो, घूमो फिरो, मस्ती करो. बट अपार्ट फ्रॉम इन्जॉइंग, पढ़ाई भी कर लेना, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने का. जो भी इस बैच से हैं सबको सारी ब्लेसिंग्स मैं देना चाहूँगी. अपनी लाइफ में अच्छा करो. और सो या ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करना चाहती इस व्लॉग को, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है. सो या दैट वाज इट. और आई होप आपको फेयरवेल व्लॉग अच्छा लगा हमारा. मिलूंगी मैं आपको एग्जाम व्लॉग्स में. टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. बाय बाय.